दिस वन इज ऑल ओवर द इंटरनेट. ये इतना ज्यादा वायरल क्यों है, क्यों सब इसके बारे में इतना ज्यादा बातें कर रहे हैं? मैं भी ये खुद ट्राई करना चाहती हूँ, टेस्ट करना चाहती हूँ, क्या ये जितना सारा सब कुछ क्लेम करता है या फिर सब लोग इसके बारे में जो बोल रहे हैं क्या वो सच है, क्या इतना ज्यादा जो हाइप है वो ओर्थिट है? अगर आपने इससे पहले इंटरनेट पे इसे देख लिया है देन ओके, अगर इनकेस आपने मिस किया है. सो दिस इज लॉरियल पैरिस इनफेलेबल 24 आवर्स फ्रेश वेयर फाउंडेशन इन अ पाउडर. तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि ये क्या क्लेम करता है. सो इट क्लेम्स कवर्स लाइक अ फाउंडेशन, मैटिफाइज लाइक अ पाउडर, 24 आवर्स फुल कवरेज इन वन स्वाइप, ऑल्सो ट्रांसफर प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ. सो इतने सारे जो क्लेम्स है उन्हें टेस्ट करना बिल्कुल बनता है, मैं टेस्ट भी करने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले बातें करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में. सो इसकी जो पैकेजिंग है यू कैन सी ये बहुत ही ज़्यादा स्लिक एंड हैंडी पैकेजिंग है. आप बहुत आसानी से अपने बैग में इसे कैरी कर सकते हो. अगर इसे हम ओपन करते हैं तो हम देखेंगे इसमें जो फाउंडेशन इन पाउडर है वो दिखेगा, और ये इसका जो पैकेजिंग है थोड़ा सा डबल डेकर काइंड ऑफ है, और इसके नीचे के जो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा स्पंज एंड इट्स कम्स विद अ मिरर, जिसके वजह से आपका जो कंप्लीट प्रोसीजर है इसे एप्लीकेशन करने का वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा. मतलब तीन चीज़ें आपको एक साथ मिल रही है, वो है एक ब्यूटी ब्लेंडर, एक फाउंडेशन और एक मिरर के जगह पर आपको सिर्फ इसे कैरी करना है. मैंने अपने लिए जो शेड पिक किया है दैट इज 140 बेज डोर गोल्डन बेज, और इसमें आपको 6 शेड्स मिल जाएंगे, ऑल सुइटेबल एज पर द इंडियन स्किन टोन. सो अभी बारी है इसे टेस्ट करने की. सो कैमरा को थोड़ा सा क्लोज लाते हैं और उसके बाद इसे टेस्ट करते हैं. सो मैंने अपने पूरे फेस में इसे अप्लाई कर लिया है. यू कैन सी इसे मेकअप करना कितना ज़्यादा आसान है, आपको बस एक स्वाइप करना है लाइक दिस वे एंड यू आर सॉर्टेड. जो कवरेज है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है. तो ऐसा कुछ मैं सोच भी रही थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये जो वायरल प्रोडक्ट है इसके बारे में देखा है, तो वहाँ पर भी कैसे एक ही स्वाइप में एकदम पूरा फाउंडेशन लाइक कवरेज आ जाता है. तो अभी जब मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. सो इससे आप बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हो लाइक फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, ब्यूटी ब्लेंडर. तो मुझे लगता है ये बेस्ट वे है एवरीडे मेकअप के लिए, और स्पेशली उन दिनों के लिए जब आप बहुत ज़्यादा रश में रहते हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है. सो अभी चेक कर लेते हैं कि ये जो सारा सब कुछ क्लेम करता है वो कितना तक सही है. इट क्लेम्स कवरेज लाइक अ फाउंडेशन. येस, ये बहुत ज़्यादा ही कवरेज देता है बिल्कुल फाउंडेशन की तरह. सो चेक. नेक्स्ट, इट मैटिफाइज लाइक अ पाउडर. येस, यू कैन सी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग सी, शाइनी सी दिख रही थी, बट नाउ माई स्किन लुक्स कम्प्लीटली मैट. सो चेक. एंड नेक्स्ट क्लेम है ट्रांसफर प्रूफ, और मुझे इसमें थोड़ा सा शक है क्या ये सच में ट्रांसफर प्रूफ होगा, क्योंकि जब भी मैं कोई इस टाइप की एटलीस्ट कॉम्पैक्ट या फिर फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो वो मोस्टली ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं होता है. तो इसे चेक करते हैं. तो मेरे पास है एक टिश्यू, इसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही प्रेस करके डैब डैब करके देखते हैं कि कुछ तो ट्रांसफर होगा, मुझे ऐसा लगता है. या इट्स ट्रांसफर प्रूफ, चेक. नेक्स्ट क्लेम है रेजिस्ट वाटर, स्वेट एंड हीट. तो इसके लिए मैंने एक बॉटल में थोड़ा सा पानी ले लिया है. सो इसे मैं अपने फेस पे स्प्रे करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे ये जो क्लेम है ये कितना तक सही है. सो यू कैन सी मेरे फेस में बहुत ही ज़्यादा पानी है. अभी हम लेंगे एक टिश्यू पेपर और इस तरीके से मैं डैप कर रही हूँ. ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, इसका मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट है. मतलब हमारे इंडियन वेदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है और आप सोचते हो मेरा जो मेकअप है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो इससे वो नहीं होगा. सो चेक. नेक्स्ट क्लेम है वेटलेस पाउडर टेक्सचर. तो इसे मैं प्रूफ तो नहीं कर सकती कैमरा में, बट आई कैन फील कि मेरे स्किन में कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया है ऐसा मुझे फील हो रहा है. मतलब ज़्यादा कुछ लेयर है या फिर ऐसा कुछ है बिल्कुल फील नहीं हो रहा है. इवन मुझे ये भी फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई भी किया है. तो डेफिनेटली मेरी तरफ से चेक. एंड जो लास्ट क्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज 24 आवर्स फुल कवरेज इन वन स्वाइप. और इसे चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसे मैं सिंपल वे में करने के लिए मैं अभी एक अपने मोबाइल में क्लिक लूँगी बिल्कुल इस वीडियो को एंड करने के बाद, और बिल्कुल 24 आवर्स के बाद चेक करूँगी. ऐसे तो 24 आवर्स मैं कभी भी मेकअप को नहीं रखती हूँ अपनी स्किन पर, बट मैं इसे सच में टेस्ट करना चाहती हूँ और आप सबके लिए. और
और ये क्लेम कितना तक सही है वो चेक करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं दोनों फुटेज को आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है मेरी स्किन अभी बिल्कुल इमीडिएट शूट को ख़त्म करने के बाद और 24 आवर्स के बाद चेक करते हैं। तो इट ऑलमोस्ट 24 आवर्स, सो कवरेज के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कवरेज अभी भी मेरे फेस में है। तो अभी मैं मेकअप को रिमूव करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि कितना ज़्यादा मेकअप मेरी स्किन में अब भी है। यस, यू कैन सी मेरे फेस में अब भी मेकअप है। 24 आवर्स में कंप्लीट मेकअप इज जस्ट अमेजिंग। इतना सारा मेकअप जो है वो रिमूव हुआ है, आपको बिल्कुल भी 24 आवर्स मेकअप को नहीं छोड़ना है, बट मैंने इसे चेक करने के लिए इसे किया है। सो जो क्लेम था 24 आवर्स फुल कवरेज इन वन स्वाइप, सो मेरी तरफ से कम्प्लीटली चेक, और मुझे लगता है मेरी ओपिनियन अलग से और इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने की कोई मतलब नहीं बनती है। मैंने हर एक क्लेम को टेस्ट किया है और वो भी ऑन कैमरा, और आप सबने देखा है क्यों ये इतना ज़्यादा वायरल है। और ये जो हाईफाई कंपनी के ओर्थिट है, इट डज द वर्क जो आपको चाहिए, ये बिल्कुल वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हर रोज़ के मेकअप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है आप सबके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, तो डेफिनेटली आप अपने लिए चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो डेफिनेटली एक कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।